अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एन के बैकपैकर्स। व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा व्लॉग है वो है मस्जिद वज़ीर ख़ान और शाही इमाम। अभी जो हम आगे हैं वज़ीर ख़ान मस्जिद के अंदर, आपके वो जो है वज़ीर ख़ान मस्जिद की लोकेशन के बारे में बताता चलूँ। ये है जो है लाहौर के सबसे मशहूर और मरूफ दिल्ली गेट, उसके अंदर है मस्जिद वज़ीर ख़ान, जो कि लाहौर की सबसे जो मशहूर जो है बादशाही मस्जिद के बाद लाहौर की जो सबसे फेमस मॉस्क उनमें से है मस्जिद वज़ीर ख़ान। ये जो है मस्जिद वज़ीर ख़ान, ये भी 17th century में बनाई गई थी। आए आपको इसके जो बाकी सीन है वो दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको ले चलेंगे शाही इमाम में। इसकी जो हिस्ट्री है ये जो आपको पता ही है, मस्जिद वज़ीर ख़ान, ये जो वज़ीर ख़ान था, ये जो है मुगलिया सल्तनत के अंदर एक बहुत ही जो है आला ओहदे पर एक वज़ीर था, उसकी के लिए ये बनाई गई थी, उसके नाम से ये मनसूब है मस्जिद वज़ीर ख़ान। तो आप आएँ, इसके हम आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं शाही इमाम के अंदर। ये शाही इमाम पीछे वाली बिल्डिंग है हमारे पास, इसकी जो टिकट है ये 50 रुपये, हमने बाहर से ये टिकट ली है, उसके बाद हम अंदर आ गए हैं। इसके बाद हम आपको अंदर लेके जाएंगे इसकी बिल्डिंग के अंदर से, आपको इसके सीन सारे दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं अभी जो है, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी हम इसके अंदर जाकर जो है इसके अंदर वाले बाग के सारे सीन दिखाएँगे। ये इसकी एंट्रेंस है, ये शाही इमाम मौलिया सल्तनत की एक अजीम बिल्डिंग, और ये यहाँ इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाएँगे। अंदर जाकर जो है बाकी सीन हम आपको अंदर से दिखाएंगे। और अब थोड़ा सा आपको बाहर से बताता चलूँ, जो शाही इमाम है इसके अंदर जो थे इनके शाही ख़ानदान के लोग, वो उनके लिए बात था, और उसके अलावा जो उनके वज़ीर वगैरह थे उनके लिए भी एक अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, जो हम आपको अंदर जाके सारे के सारे दिखाएँगे। तो आएँ अंदर चलते हैं। व्यूअर्स, अब हम शाही इमाम के अंदर आ चुके हैं, ये आपको पीछे से दिखाते हैं। आए मेरे साथ, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसकी बिल्डिंग। और व्यूअर्स, ये सारी जगह है, यहाँ पे पानी होता था, शाही हमाम इसे कहते हैं यहाँ पे, जो कि जो नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ऊपर इसके देखें यहाँ खूबसूरत नक्शे नगार बने हैं, काशीकारी की गई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये अभी भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से लग रहा है, आप देखें। आपको मस्ट ये विज़िट, ये प्लेस आपको ज़रूर आना चाहिए। ये लाहौर के अंदर है, ये दिल्ली गेट के अंदर है। दिल्ली गेट के अंदर हम पहले आपको दिखाया था वज़ीर ख़ान की मस्जिद, उसके बाद ये है शाही हमाम, ये सारी की सारी जो हैं दिल्ली गेट लाहौर उसके अंदर ही हैं। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है, आपको मस्ट ये विज़िट करनी चाहिए। जब भी आपको टाइम लगे तो आप इन चीज़ों को, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनको, आप लाहौर के अंदर जो रहते हैं उनको ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए और इनको एक्सप्लोर करना है। शाही हमाम ये 17वीं सदी का एक जो है मुगलिया का अजीम प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने रोशनी के लिए भी जो है दिन के टाइम रोशनी के लिए भी उन्होंने रोशनी के सोर्स भी मौजूद हैं। चारों दीवारों पर भी हैं शीशे के लगे हुए हैं, और इसके अंदर भी आप जो देखेंगे पूरी बिल्डिंग की छतों के ऊपर भी रोशनी का एक खास सोर्स है यहाँ पे, जो कि रोशनी आती रहती है। इसके अलावा आप आगे आएँ तो आगे भी आप जौन सा भी यहाँ पे ये बिल्डिंग है इसके अंदर, वहाँ पे भी सारा रोशनी का सोर्स है। ये आप ये देखें, यहाँ पे भी उन्होंने खूबसूरत ये बनाया हुआ रोशनदान, यहाँ से रोशनी आती है
और आगे भी वो सारी लगी हुई है पूरी दीवारों के अंदर रोशनी का सोर्स, यहाँ से जो है रोशनी आ रही है। जो था कि लाइटें तो थी नहीं, तो ये यहाँ पे चिराग लगाते थे, चिरागों के अलावा जो है बाकी रोशनी सारी की सारी इन रोशनदानों से आती थी, जिसकी वजह से अंदर अंधेरा नहीं होता था। अगर ये रोशनदान ना होते तो यहाँ पे तो आपको सारी बात है कि रोशनी का सोर्स नहीं होगा और ज़्यादा अंधेरा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने रोशनी का सोर्स भी इन्होंने बनाया हुआ। ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम की ये कितनी अजीम जो है आर्किटेक्चर। और ये विवस ये है मुगलिया दौर के अंदर जो जितनी जो यहाँ पे पुराने बर्तन वगैरह थे और ये सारी की सारी निशानियाँ थी ये सारी पड़ी हुई हैं वहाँ पर, ये आप देख सकते हैं।